हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं तो मैं अभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी, दिन में नहीं कर पाई थी। और मैं बाहर आई हूँ अभी दरवाजे के बाहर, मतलब रास्ता है ना मेरे घर के सामने, आप लोग जान लें बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं और साइड में काम चल रहा है तो बहुत शोर होता ही रहता है यहाँ का, तो इग्नोर करिएगा थोड़ा। तो चलिए फिर शाम का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शाम के बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा ही आराम करने को मिलता है। आज तो मैं सो गई थी थोड़ा सा, तो अच्छा लगा। उस समय ना मुझे ठीक नहीं लग रहा था थोड़ा, इसलिए भी मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं की, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। 10-15 मिनट भी अगर नींद ले लेना तो अच्छा लग जाता है, तो अभी मुझे ठीक लग रहा है। और आज हमारे घर के सामने यहाँ पर पाठ भी होना है सुंदरकांड का, तो वहाँ भी थोड़ी देर मैं जाऊँगी। वो जल्दी से आज का जो खाना बनाना है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 7 से 10 तक कुछ है, तो फिर वहाँ भी जाऊँगी। अच्छा लगता है वैसे तो, हमारे आसपास मोहल्ले में कुछ होता नहीं, और कभी कभी कुछ होता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है, तो फिर जाना है वहाँ। और सुंदरकांड तो सभी को मालूम है ना कि कितना अच्छा होता है पढ़ना या सुनना, तो चलिए फिर वहाँ भी जाऊँगी। और आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, हम देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ये देखिए, ये है हरा चना और इसे अभी मैं तोड़ लूँगी। और ना ये हरा चना बहुत अच्छा लगता है खाने में, और इसके जो पत्ते हैं ना, लेकिन अभी नहीं, इसके पत्तों की ये सब्ज़ी भी बनती है भाजी, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके पत्तों की सब्ज़ी कब खाते हैं? जब ये फल नहीं लगे होते हैं, फूल नहीं लगे होते हैं ना उस समय, तो ये ना बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके पत्तों को ना सुखा के रखते हैं, उसकी भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये अभी देखिए कितने सारे फल लगे हुए हैं ना, अब क्या मिलता है कि नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में इसे खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और चलिए मैं इसे तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत कचरा सा लग रहा है ना, तो इसे जितने फल हैं उसको मैं तोड़ूंगी। अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और ये देखिए ये चना मैं तोड़ ली हूँ, पूरा नहीं तोड़ी, कुछ रह गया है, और इतना अभी तोड़ चुकी हूँ मैं, तो इसे अभी मैं तेल में छौंक दूंगी, तो ये ना खाने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं, और बनाने के लिए देखिए मैं थोड़ा ही तेल ली हूँ, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही तेल लेना है। और छौंकने के लिए इसमें कुछ जीरा या राई कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्ट चने को डालना है। वैसे तो चाहे तो इस चने के छिलके को निकाल के, सिर्फ चना रहता है अंदर का हरा चना, उसे भी ऐसा बनाया जा सकता है, लेकिन ना मैं छिलके सहित बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो, तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। और इसमें ना थोड़ा नमक डालना है और थोड़ा ही पानी डालना है, फिर ये हो जाता है। और धीमे आंच में बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता इसे बनाने में, और फिर ये बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ट्राई करके देखिएगा आप लोग भी। और जब हम छोटे थे ना, तो हमारे घर के आसपास खेत थे, तो वहाँ ये चना बोया जाता था, और हम ना जब छोटे थे तो ऐसा होता है ना, तो हम वहाँ जाके चुपके से बैठ के चना खाया करते थे। तो वो दिन, जब भी ये हरे चने का जो मौसम है ना वो आता है, तो वो बातें भी याद आ ही जाती हैं। तो वो होता है ना कि बचपन की बातें कभी नहीं भूलते, कोई भी नहीं भूलता है, तो बस ऐसे ही है। तो कुछ ना कुछ यादें तो जुड़ी रहती है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं बचपन की। तो देखिए यहाँ पर ये हो चुका है, ये बन चुका है, लाइट आ रही है, हाँ ये बन चुका है, देखिए। तो चलिए खाते हैं। हाँ, लेकिन ना इसे छिलके सहित नहीं खाना है भाई, इसे छिलका निकाल के खाना है। और जो नमक डाले हैं ना हम इसमें, तो वो क्या थोड़ा सा नमकीन नमकीन लगता है, थोड़ा पानी और नमक और तेल, हाँ, तो इस वजह से ना ये बहुत अच्छा लगता है नमकीन नमकीन सा। तो चलिए खा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए फिर, मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, और मेरा खाना बन चुका है अभी, तो अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद मैं सीधा वहाँ पर जाऊँगी जहाँ पर पाठ हो रहा है, तो चलिए मैं वहीं मिलती हूँ आप लोगों से। जब तक कटाया मैं की हो, अरे हनुमत कटे रहो आप हो, हनुमत कटे रहो आसन पर। जब तक सुन हनुमाना का चुप सारी रहो बलवा, क्या कहीं बेचारा तेरे से जल के रवारा, में बन जाए ते आई कोई कबर बनाई, बंदोली करे कुरानी, चोट पर कर लागे बोले बचले श्री बागी, शरण मिले सकते हम आपकी शरण में आने लायक नहीं है। भाई देखो फिर भी करेगा, मुरली बजा मुख मुरली।
दो खाटू वाला बोली ले घोड़े वाला अपना दो खाटू वाला बोली ले घोड़े वाला सावेरा भगतों का रथ वाला है बोली वाला भगतों का रथ वाला भगतों का रथ वाला है बोली वाला भगतों का है रथ वाला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये दूसरे दिन सुबह का है और अभी सुबह के लगभग वही 8 बजे होंगे 8 या 8:30 हो रहे होंगे। और मेरा जो सुबह का काम होता है ना, नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना, वो सब हो चुका है और राहुल अपनी ड्यूटी पर भी जा चुके हैं और हमारा नाश्ता भी हो चुका है इस टाइम तक। तो बस उसके बाद नाश्ता करने के बाद ना जो काम होते हैं समेटने के, जो रात में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, तो कपड़े हैं और कोई सामान है, तो वो सब मैं ना अभी ही करती हूँ सुबह रात में, क्योंकि नहीं हो पाता है रात में किचन का ही काम, खाना बनाना, उसके बाद बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, वही काफ़ी हो जाता है। तो ये जो और एक्स्ट्रा रहता है ना, उसे मैं सुबह ही करती हूँ झाड़ू लगाने के पहले, तो बस वही। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का कपड़ा दिख रहा है ना, जिसे मैं अभी सीने वाली हूँ, तो वो क्या है कि जतिन का मार्शल आर्ट का कपड़ा है। तो ये जब फाइट होता है ना, तो क्या है कि कपड़ा खींच जाता है एक दूसरे से ना, कपड़ा पकड़ के खींचते हैं तो फट गया है थोड़ा सा। वैसे कपड़ा ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ा सिलाई के पास से फट गया है, तो उसे ही मैं सी रही हूँ ताकि काम चल जाएगा। अभी तो अभी मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो बाथरूम है ना घर का, वो छोटा है, तो जब ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो मैं यहाँ नहीं धो पाती हूँ, तो जो मशीन है वो बाहर वाले बाथरूम में लगा हुआ होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि वो जो बाथरूम की दीवार थी ना, वो पड़ोसियों की थी, जो घर बन रहा है ना, तो उनकी दीवार थी, तो अभी टूट रहा है वो वाला, अभी ही तोड़ रहे हैं उस दीवार को, वहाँ पर मैं अभी कपड़े नहीं धो पाऊंगी, तो फिर सारे कपड़े कल ही धुलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि कल शाम से ही मैं इस वीडियो को स्टार्ट की हूँ और अभी सुबह हो गई है। और वैसे सुबह का ना मेरा आधा से ज़्यादा काम तो हो चुका है और कुछ काम है जो बाकी है, और आज कपड़े धोने थे इसलिए फिर अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो अभी तो नहीं धो पाऊँगी कपड़े। तो बस अभी नहाना है, फिर खाना बनाना है, फिर ये जो काम होता है दोपहर तक का वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।